धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय के सामने आज कोरोना टेस्टिंग वैक्सीनेशन करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मियों ने 13 माह के बकाए भुगतान नहीं दिए जाने के विरोध में धरना दिया। सीएस कार्यालय के सामने नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई। सीएस के खिलाफ नारेबाजी की। 13 माह के भुगतान नहीं दिए जाने के कारण जिले के सभी प्रखंडों में कोरोना कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर चले गए हैं। कोरोना कर्मियों के हड़ताल में जाने की घोषणा के बाद कोरोना टेस्टिंग वैक्सीनेशन कार्य अब बाधित हो चुका है। वहीं कोरोना कर्मी पीयूष सहाय ने कहा कि कोरोना काल में टेस्टिंग वैक्सीनेशन को लेकर उन लोगों की बहाली की गई थी। पिछले 13 माह से वेतन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं दिया गया है। अब हालात ये हो गई है कि काम पर आने के लिए उधार पैसे लेने पड़ रहे हैं। 100 से 150 कर्मी वे सभी है, सभी की स्थिति खराब हो चुकी है। इस कारण सभी हड़ताल में जाने की घोषणा कर दी है। बकाया भुगतान होने के बाद ही वे सभी काम पर लौटेंगे। इस कारण हम लोग आज वैक्सीनेशन का कार्य और जब तक हम लोगों को पेमेंट नहीं मिलता है तब तक हम लोग हड़ताल पर हैं। मांग हमारा सिर्फ एक ही है कि हम लोगों को जो बकाया पेमेंट है 13 महीनों का वो दे दिया जाए, फिर हम लोग जैसे सुचारू रूप से काम चल रहा था वैसा चलता है। हम लोग आउटसोर्सिंग से हैं, हम लोग प्रज्ञा केंद्र के VLEs हैं और कुछ ऑपरेटर लोग भी हैं। स्थिति ऐसा बन चुका है ऑपरेटर्स का, जो घर से कैंप में आने के लोग उधारी पैसा लेकर आ रहे हैं, किन्हीं को बच्चों का फीस देने का नहीं है। लगभग सारे प्रखंड मिला के 150 से 200 कर्मी हम लोग हैं। हम लोग टेक्निकल फील्ड से हैं, हम लोगों को आउटसोर्सिंग से प्रखंड द्वारा और सिविल सर्जन द्वारा निर्गत किया गया था यहाँ पर।